वक्त मैं हूँ जापान की नगोया सिटी में। यहाँ पे टेक्नोलॉजी मशीनरीज का एग्जीबिशन हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हैवी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है। इसमें से एक मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये मशीन बनाई गई हुई है। तो अभी हम इस मशीन के ऊपर एक मेटल को बेंड करके देखेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करके पहले इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, सारा ऑर्डर दिया जाता है कि ये पार्ट है और इस पार्ट को हमने बेंड करना है। तो इस मशीन को इस्तेमाल करके देखें, मशीन हिलना शुरू हो गई है। अभी जो बेंड होगा इसके ऊपर, ये बॉक्स है, डस्ट बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए इसके ऊपर रखा जा रहा है ये पार्ट। तो ये देखें, ये तैयार हो गए वो पार्ट जो कि ऑर्डर दिया गया था मशीन को। तो अभी आपको मैं क्लोज से दिखाता हूँ। अगर ये इंसान के हाथ से इसको बनाया जाए तो इस तरह परफेक्ट नहीं बन सकता जितना परफेक्ट ये मशीन ने तैयार किया है। तो ये है इसकी फिनिशिंग, देखें ये बेंडिंग की है, इसे कितना परफेक्टली इसमें कर्व दे के इसको बनाया गया हुआ। और ये देखें इसको यहाँ से जब देखा जाए, इसमें एक और कर्व दे के परफेक्टली देखें पेंट किया उसे। इसको इससे ना होगा बच्चे से नींगे नोचे देवा खोलना नहीं खिले नहीं वादी खिले। लेकिन इंसानी हाथ से इस तरह नहीं बनाया जा सकता जितना परफेक्टली इन्होंने इसको बेंड किया। सही दाई दुकोमा देनो ऑक्सन मोनो ओ बिन 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 दी देखी मसला 2.1 मीटर तक की चीज को बेंड किया जा सकता है इसके ऊपर। 2 मिलीमीटर तक का यानी इसका होना चाहिए स्टील है। अच्छा ये स्टील है, माइल्ड स्टील हो तो 3.2 मिलीमीटर। अगर माइल्ड स्टील हो तो 3.2 मिलीमीटर तक की चीज़ को भी बेंड किया जा सकता है। ट्रू बेंड सेंटर 7020 इस मशीन का नाम है। प्रोग्राम है कंप्यूटर से जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको यहाँ पे लेकर आते हैं, इसके अंदर फीड करने के बाद मशीन को ऑर्डर दिया जाता है। फिर आप इसके ऊपर मेटल रख दें, स्टेनलेस रख दें उसके ऊपर, तो मशीन आपको तैयार करके देखें। मशीन के अंदर भी कैमरा लगाया गया हुआ है, इससे क्लोज से आप देख सकते हैं कि मशीन के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। और अच्छा ये देखें, अभी इसका ढकना तैयार हुआ है और ये बन गई डस्टबिन। ये देखें ये बेहतरीन डस्टबिन तैयार हो गई है। अच्छी हैवी है, पावरफुल है। और देखिए इसको जो बेंड इन्होंने किया है इंसानी हाथ से, इसको इतना क्लियर कर्व देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह की मशीनें होती हैं जो वेंडिंग मशीन आप देखते हैं, वेंडिंग मशीन वगैरह भी इससे तैयार होती है। तो ये है टेक्नोलॉजी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है नगोया सिटी में टेक्नोलॉजी का। तो बहुत सारी यहाँ पर मशीनें, आगे मैं आपको और भी इंशाल्लाह वीडियो शेयर करता हूँ।